हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनएसआईटी के ऊपर। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनएसआईटी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि उसकी फीस क्या है, हॉस्टल फीस और कॉलेज की फीस, और कौन कौन सी फैसिलिटीज जो एनएसआईटी प्रोवाइड करती है उनके स्टूडेंट्स को। फिर बात करेंगे कि इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, यानी एडमिशन लेने के लिए हमें कौन सी काउंसलिंग के थ्रू जाना होगा। फिर हम देखेंगे कि कोर्सेज कौन कौन सी ऑफर कर रही है, यानी एडमिशन लेना है तो ये भी देखेंगे ना कि हमारे कोर्सेज जो हम लोग चाहते हैं वो दे भी रही है नहीं दे रही है। फिर उन कोर्सेज के अंदर की क्या सीट मैट्रिक्स है हम वो चेक करेंगे। एंड फिर हम बात करेंगे कि इसका एवरेज पैकेज क्या है हर एक कोर्स का इंडिविजुअली, जो भी कोर्स ऑफर कर रही है, और टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो का सफर शुरू करते हैं। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो एनएसआईटी को पहले दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता था, जो कि 1983 में स्टैब्लिश हुई है ये, और ये ऑटोनोमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में आती है। और इसकी अगर हम कैंपस एरिया की बात करें तो 145 एकर्स का कैंपस एरिया है एनएसआईटी दिल्ली का, एंड इसकी लोकेशन द्वारका के पास में है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें और फैसिलिटीज की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर कॉलेज की फीस की बात करें तो वह है 1.25 लाख पर एनम, और हॉस्टल फीस है 33,000 पर सेमेस्टर, यानी एक सेमेस्टर, यानी 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं तो एक सेमेस्टर का 33,000 है। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर को आपको 11,000 ज्यादा देने होंगे क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट वो करवाती है। फिर फैसिलिटी कौन कौन सी प्रोवाइड कर रही है, कैंटीन, कैंटीन की साइड में आपको पिक्चर्स भी दिख रही है। मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती है कॉलेज के अंदर, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, बैंक है। अब लोकेशन की बात कर ले तो ये द्वारका में है, और इसके मेट्रो स्टेशन से बात करें तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो है इसका द्वारका मोड़, जहां से आप ऑटो या रिक्शा में बैठ सकते हैं, नहीं तो अगर आपको पैदल चलना है तो 15 मिनट्स की दूरी पे पड़ता है ये द्वारका मोड़ मेट्रो से। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे पास में है इसके। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो एनएसआईटी अपना एडमिशन जैक दिल्ली के थ्रू लेता है, जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू। जैक दिल्ली एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग है, और ये इसके अंदर एनएसआईटी के अंदर 85% सीट रिजर्व है दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। और ज्यादा तो डिस्क्रिप्शन के लिए कि जैक दिल्ली का काउंसलिंग है क्या, तो हमने इस पे एक वीडियो बना रखी है जैक दिल्ली के ऊपर, तो आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। कोर्सेज जो कि ये एनएसआईटी ऑफर करती है उनके सीट मैट्रिक्स के साथ, ये टोटल 7 कोर्सेज ऑफर करती है। अगर पहले कोर्स की बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो नंबर ऑफ सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ये दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली दोनों को मिला के 184 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो दोनों को मिला के आउटसाइड दिल्ली प्लस इनसाइड यानी दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए 60 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 120 है। बायोटेक्नोलॉजी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 60 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टोटल नंबर ऑफ सीट्स है इसकी 184। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग इसका टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं 184। एंड मैन्युफैक्चरिंग तो इस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 120। एवरेज पैकेज की बात करें हर एक इंडिविजुअली, अब जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें जो कोर्स ऑफर कर रहा है तो उसका एवरेज पैकेज है 12 to 13 लाख पर एनम का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया है क्योंकि ये अभी 2 साल पहले ही आई है एनएसआईटी के अंदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 10 to 11 लाख पर एनम है एवरेज पैकेज का। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 6 to 7 लाख पर एनम है एवरेज पैकेज। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो ब्रांच है उसका एवरेज पैकेज है 8 to 9 लाख पर एनम, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अच्छे कंपनीज आती है यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज है 5 to 6 लाख पर एनम, और अराउंड 80 to 90% का इसका परसेंट प्लेसमेंट रेशियो है इसके अंदर। अगर कोई बच्चा इंटरव्यू के लिए पास हो जाता तो 100% प्लेसमेंट है इंटरव्यू क्राइटेरिया में पास हो गया तो। मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग में जो इसका एवरेज पैकेज है वो है 7 to 8 लाख पर एनम। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो ये थोड़े से टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बताया, जैसे गूगल है, गूगल ने इस बार इनको हाईएस्ट यानी गूगल ने हाईएस्ट पैकेज दिया है 1.2 करोड़ के आसपास का। अमेज़न है, एसेंचर है, आईबीएम है, एपिक आती है, बेन एंड कंपनी नॉन टेक में बहुत मशहूर कंपनी है, अमेज़न हम सब जानते हैं, सिस्को, एडोब,
SCL, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज आती हैं यहाँ पे, और इससे भी और अच्छी कंपनीज भी आती है, जैसे फेसबुक आती है, ट्राई आती है, ये सारी कंपनीज आती हैं यहाँ पे। तो टॉप रिक्रूटर्स है, कंपनी जितनी भी है वो यहाँ पे आती है, अच्छी कंपनियाँ NSIT में। अपकमिंग वीडियो जो हमारी आने वाली है दोस्तों, वो है आएगी DTU के ऊपर, IIIT दिल्ली के ऊपर, और DTU वर्सेस NSIT के ऊपर। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉलेज ऑप्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए।